जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटर्स। दोस्तों जैसा कि बता दूं, कल मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि कल थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था जो नोट्स बनाने में, क्योंकि बिना नोट्स बनाए और बिना खुद से पढ़े मैं वीडियोस नहीं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आज जो है कम्प्लीट कर लिया, मैंने थोड़ी देर पहले ही कम्प्लीट किया जस्ट, और अभी मैं रिकॉर्डिंग अपना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वह इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन चैन सर्विंग, ये बेसिक सर्विंग वन का, जो चैन सर्विंग हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था उसका आज सेकेंड लेक्चर होगा चैन सर्विंग के रिगार्डिंग। आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरिंग चैन, जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है, इसको सिंपली चैन भी बोल सकते हैं हम लोग, लेकिन मेजरिंग चैन बोलना ज़्यादा सही होगा क्योंकि इस चैन से हम लोग मेजरमेंट लेते हैं सर्विंग में। तो जानते हैं कि जो इसे सर्विंग चैन या सिंपल चैन भी कहा जाता है, इसका यूज़ जो होता है ग्राउंड पे किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए किया जाता है। अगर मार्कर लेकर समझाते हैं तो देखिए, ये जो है ये चैन है, ठीक है, और ग्राउंड पे समझिए ग्राउंड किसी भी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम लोग जो है चैन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बस इसे इतना ही काम होता है कि हम लोग इससे डिस्टेंस या लेंथ मेज़र करते हैं। इसमें कोई हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो है थोड़ा सा अप डाउन भी होता है तो इसमें चलता है, लेकिन लिटिल बिट होना चाहिए, ज़्यादा इनएक्यूरेसी नहीं चलता है इसमें। अगर बात करते हैं जो चैन होता है इसके मटेरियल क्या है, किससे ये चैन बना है, तो ये ग्लेवनाइज्ड मिल्ड स्टील, जैसा कि ये दिख रहा है ना, ये ग्लेवनाइज्ड मिल्ड स्टील है। इसका 4 मिलीमीटर का डायमीटर वाला, जब क्रॉस सेक्शन से आप काटिएगा इस तार को तो उसका डायमीटर 4 मिलीमीटर होना चाहिए, उस 4 मिलीमीटर वाले डायमीटर के तार से बना होता है और कुछ इस तरह से आता है, ये इतना मोटा होता है, ठीक है। ये जो ग्लेवनाइज्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ग्लेवनाइज्ड जो होता है, आप देखिएगा घर में जो अलमारी आपका बनता है उस पर एक जिंक का पेंटिंग किया जाता है, कोटिंग चढ़ाया जाता है जिंक का, उसको बोलते हैं ग्लेवनाइजेशन। उससे क्या होता है, रस्ट नहीं पकड़ता है मेटल की चीज़ों पर, ठीक है। तो इसीलिए चैन को ग्लेवनाइज्ड मिल्ड स्टील से बनाया जाता है, स्टील वायर से बनाया जाता है। और इसके जो लिंक बने होते हैं वो आपस में 3 सर्कुलर रिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। अगर आप इस पिक्चर में ध्यान से देखिएगा, इसमें इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए, इस पिक्चर को सेलेक्ट करके, ये देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे इजीली कि ये जो एरिया है, एक सेकेंड, ये जो एरिया है यहाँ पर आपको बीच में 3 सर्कुलर रिंग्स दिख रहे होंगे। एक इस चैन का यहाँ पर ख़त्म हुआ, एक यहाँ पे ख़त्म हुआ, और बीच में देखिए 1, 2 और 3, ये जो 3 आपको सर्कुलर रिंग्स दिख रहे हैं, क्लियर कर देता हूँ एक बार, ये 3 सर्कुलर रिंग्स से जुड़े हुए होते हैं। इससे क्या होता है कि चैन जो फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, और इसके एंड में 2 हैंडल्स लगे हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 एंड में इसके हैंडल्स लगे हुए हैं, ये देखिए एक यहाँ पे है और एक इधर, पिक्चर से हट गया लेकिन ऐसा 2 होता है, ठीक है। इस वाले पिक्चर में आपको दिख जाएगा, देखिए 2 हैंडल्स हैं, ठीक है। तो इतना तक तो समझ में आ गया कि चैन किस चीज़ से बना हुआ होता है और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। अब जानते हैं इसके कुछ डिटेल्स के बारे में, इसे मेजरमेंट्स किस तरह से लेते हैं। तो चैन होता है जनरली 20 मीटर और 30 मीटर के मेजरमेंट में आता है, और हर 10 लिंक के बाद इस तरह की टैगिंग आप लोगों को देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1090, 20 मीटर का भी हो या 30 मीटर का चैन हो, इसमें लिंक्स होते हैं 100, ठीक है। तो इस तरह का पहला लिंक है, ये 10 लिंक्स के बाद आता है, फिर ये 2 मुंह वाला लिंक है ये 20 लिंक के बाद आता है, और ये 3 मुंह वाला लिंक 30 लिंक के बाद आता है, और ये 4 मुंह वाला लिंक जो है 40 लिंक्स के बाद आता है, और ये जो बीच में राउंड या ओवल मिलता है ये 50 लिंक्स, यानी कि जब हम लोग 100 में से 50, यानी कि आधा चैन जो हम लोग पहुँच जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, इतना बड़ा चैन जब हम लोग 50 आधा क्रॉस कर जाते हैं तो हम लोग को ये 50वां लिंक में मिलता है। यहाँ पर ओरिजिनल में चैन का जो टैगिंग है वो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे आप, जैसे ये 3 नंबर वाला है, ठीक है, ये देखिए 4 नंबर वाला है, 1 नंबर वाला भी यहीं पर है, ये 2 नंबर वाला है, और ये जो देखिए मिडिल में जो रहता है, तो कुछ इस तरह का टैगिंग होता है चैन में। इससे ये जो 3 लिंक होता है ना, ये जो लिंक्स होता है ये 10 लिंक के बाद आता है, और हर एक लिंक जो होती है, ये अगर बात करते हैं इस लिंक की, ये जो लिंक की मेज़रमेंट होती है, अगर ये 20 मीटर की चैन है तो 0.2 मीटर होगी, और अगर ये 30 मीटर की चैन है तो 0.3 मीटर होती है, और जो हैंडल से लगी हुई होती है लिंक वो थोड़ी छोटी होती है। देखिए इससे ये कितनी बड़ी और ये कितनी छोटी है, क्योंकि इसका जो मेज़रमेंट होता है हम लोग हैंडल से लेते हैं, इसलिए इसके लिंक को छोटा कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ से हम लोग यहाँ तक का 0.2 मीटर या फिर 30 मीटर का तो 0.3 मीटर कैलकुलेट करेंगे।
स्टैंड जो है ये स्टील टेप के मुकाबले या स्टील बैंड के मुकाबले कम एक्यूरेट होता है, लेकिन ये बहुत कन्वीनियंट होता है कुछ रफ़ एरियाज़ में यूज़ करने के लिए। ये जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको प्लेन एरिया में हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं इजीली, लेकिन इस तरह के एरियाज़ में हम लोग टेप को मेज़रमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पर काम नहीं कर सकता, लेकिन कि जो अगर हम बात करते हैं मेज़रिंग चैन की, तो एक बहुत ही कन्वीनियंटली इस तरह के एरियाज़ में काम करने के लिए बनाया जाता है, इसको रफ़ यूज़ करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है स्टील बैंड के मुकाबले, और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, और अगर किसी कारण से डैमेज भी हो जाता है तो ये ग्राउंड पर ही उसी टाइम में तुरंत ही इसको ठीक भी किया जा सकता है। और आईएस स्पेसिफिकेशन के अनुसार अगर बात करते हैं तो चैन का हर एक मीटर लेंथ में प्लस माइनस 2 mm एक्यूरेट होना चाहिए, या तो 2 mm ज़्यादा होना चाहिए या तो फिर 2 mm कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कम या उससे ज़्यादा अधिक होगा तो ये एक्यूरेट नहीं होगा। और अगर इसे 80 न्यूटन के फोर्स के साथ मेज़र किया जाए, टेंशन के साथ में 80 न्यूटन के टेंशन के साथ में, तो चैन की एक्यूरेसी 20 मीटर या 30 मीटर के चैन के लिए जो है रिस्पेक्टिवली या तो 5 मीटर अधिक हो सकती है या 5 मीटर कम हो सकती है 20 मीटर के चैन में, और 30 मीटर के चैन में 8 मीटर अधिक हो सकती है या फिर 8 मीटर कम हो सकती है, इससे ज़्यादा अधिक नहीं, इससे ज़्यादा कम इसमें नहीं चलता है। और चैन के द्वारा जो है केयरफुली मेजरमेंट किया जाए तो इसकी एक्यूरेसी की जो रेशियो है 1:1000 है, लेकिन अगर हम लोग इसको केयरफुली नहीं करते हैं तो ये 1:2000 का भी के आसपास भी जा सकती है अगर इसको हम केयरलेसली मेजरमेंट करते हैं तो। अब देखते हैं चैन्स कितने टाइप के होते हैं। चैन्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, नॉन मेट्रिक चैन और मेट्रिक चैन। नॉन मेट्रिक चैन के द्वारा लेंथ या डिस्टेंस मेजर किया जाता है FPS सिस्टम में। ये चैन फिर और कई प्रकार के होते हैं, पहला है इंजीनियर चैन, दूसरा है सर्वेयर चैन और तीसरा रेवेन्यू चैन। बात करते हैं मेट्रिक चैन की, तो ये जो चैन है ये सारे नॉन मेट्रिक चैन को रिप्लेस कर दिया है। मेट्रिक चैन जो अवेलेबल होता है 5 मीटर में, 10 मीटर की लेंथ में, 20 मीटर या फिर 30 मीटर या 50 मीटर या उससे भी ज़्यादा लेंथ में जनरली अवेलेबल होता है। अब बात करते हैं इंजीनियर चैन के बारे में। इंजीनियर चैन जो होता है ये 100 फीट लॉन्ग होता है और इसमें 100 लिंक होता है, और हर एक लिंक का जो लेंथ होता है वह 1 फुट होता है, और इसको पास्ट में बहुत पहले इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता था। सर्वेयर चैन, इसे गंटर्स चैन भी कहते हैं, ये 66 फीट यानी 66 फीट लॉन्ग होता है और इसमें भी 100 लिंक्स होते हैं, और ईच लिंक की जो लेंथ होती है वो 0.666 फीट होती है, इसे गंटर्स चैन भी कहते हैं। इसमें जो 10 स्क्वायर चैन होती है वो इक्वल होती है 1 एकड़ के, और 10 चैन इक्वल 1 furlong एंड 8 furlong इक्वल 1 mile होती है, सूटेबल होती है लेंथ मेज़र करने के लिए माइल्स में, और जो एरिया होगा वो एकड़ में, ठीक है, डिस्टेंस मेज़र करने के लिए माइल्स और एरिया को एकड़ में मेज़र करने के लिए सूटेबल होती है। अब जो है रेवेन्यू चैन जो होती है 33 फीट लॉन्ग होती है, और यह इसमें जो लिंक्स होते हैं टोटल यह 16 लिंक्स होते हैं, और ईच लिंक की जो लेंथ होती है वो 2.0625 फीट होती है। यह बहुत ही स्मॉल मेजरमेंट यानी कि फीट या इंचेस में मेज़रमेंट लेने के लिए बनाई हुई होती है, और ये स्मॉल एरियाज़ में मोस्टली यूज़फुल होती है। अब बात करते हैं जो सेकेंड इंस्ट्रूमेंट है वो है मेजरिंग टेप्स। अब तक हमने चैन के बारे में पढ़ा, अब है मेजरिंग टेप्स। टेप जो है इसका भी यूज़ डिस्टेंस मेज़र करने के लिए किया जाता है चैन की तरह। यह बहुत सुविधाजनक और हल्का होने के साथ साथ ग्रेटर प्रिसिशन यानी कि बहुत अधिक शुद्धता देता है मेजरमेंट में, अर्थात चैन के मुकाबले टेप में एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। मैन्युफैक्चरिंग के आधार पर या मटेरियल के आधार पर इसको हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड किया है, क्लोथ और लेनिन टेप, मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इन्वर टेप। अब चलिए जानते हैं एक के बारे में। पहला है क्लोथ और लेनिन टेप। इसमें ये जो मटेरियल जिससे बना होता है टेप, ये लेनिन या फिर क्लोथ के धागों से बना हुआ होता है, और इसकी लेंथ जो जिस लेंथ में ये मार्केट में आपको अवेलेबल होता है और यूज़ होता है इसका 10 मीटर 20 मीटर 25 मीटर और 30 मीटर, और इसकी चौड़ाई होती है टेप की यह 10 mm से 15 mm की होती है। लेकिन इसको जो है मोस्टली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो लेंथ होता है ये ड्यू टू श्रिंकेज और फोल्डिंग ऑफ द टेप्स, यानी कि जो टेप होता है ये बहुत सॉफ्ट होता है तो इसलिए मुड़ जाता है, श्रिंकेज हो जाती है इसमें, इसके वजह से इसका लेंथ जो है उसमें चेंजेस हो जाती है कभी कभी। इसको टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हम लोग धूप में रख देते हैं तो भी इसका मेजरमेंट जो है अप डाउन हो जाता है, लेंथ में फॉल्ट आ जाने के कारण से इसको हम लोग ज़्यादा सर्विंग में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब है मेटेलिक टेप। ये यार्न और मेटेलिक वायर के मिश्रण से बना हुआ होता है, और इसमें ये जो मार्केट में इसका लेंथ की हम बात करें कौन कौन सा लेंथ में अवेलेबल है, तो 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर और 10 मीटर 20 मीटर और 30 मीटर और 50 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है, और इसकी जो विड्थ होती है वो वैरी करती है 10 mm से 15 mm की, ठीक है। सो टेप की जो चौड़ाई होती है वैरी करती है। यू टेप होता है यह लेनिन टेप के मुकाबले ज़्यादा एक्यूरेसी प्रदान करता है, लेकिन ड्यू टू कि ये भी सॉफ्ट होती है इसके कारण से हम लोग इसको भी मोस्टली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसमें भी जो है स्ट्रेचिंग होने के कारण से, श्रिंकेज होने के कारण से लेंथ में जो है चेंजेस आ जाती है।
नेक्स्ट जो है स्टील टेप, इसका जो मटेरियल होता है स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप से बना होता है और इसके ऊपर विनाइल की कोटिंग की होती है जिससे कि इसमें रस्ट ना लगे और जल्दी ख़राब ना हो। इसमें भी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 50 मीटर की होती है और जनरली हम 30 मीटर यूज़ करते हैं और विड्थ जो होती है वह 6 mm से 16 mm तक वैरी करती है। स्टील टेप जो है वो लेनिन टेप और मेटेलिक टेप के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी देती है, लेकिन अभी जो है इसको ज़्यादातर हम लोग सर्विंग में यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं सर्विंग में वो टेप है इनवर टेप। यह अलॉय ऑफ स्टील यानी कि स्टील का एक अलॉय जो कि 64% की मात्रा में और निकेल 36-36% की मात्रा में मिश्रित करके बनाया हुआ होता है और इसका लेंथ जो होता है 20 मीटर, 30 मीटर, 50 मीटर और 100 मीटर का होता है और विड्थ जो होता है इसका 6 mm होता है। ये जो टेप होता है ये चूँकि 2-3 धातुओं के मिश्रण से जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बनाया हुआ होता है और ऐसे धातु हैं जिसके जो है धूप के कारण से और हीट मिलने कारण से इनमें थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है या फिर बहुत हाई डिग्री में होता है, तो इससे क्या होता है इनकी जो लेंथ होती है उसमें मेजरमेंट जो हम करते हैं उसमें चेंजेस बहुत कम आते हैं, इसलिए ये अदर टेप से ज़्यादा एक्यूरेसी इसमें मिलता है हम लोग मेजरमेंट के दौरान और ये सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज़फुल टेप है चैन सर्विंग के लिए या फिर टेप सर्विंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट है वो है रेंजिंग रॉड। ये जो मटेरियल जिससे बना होता है वो टीक, पाइन, देवदार या सीसो, पेड़ के स्ट्रेट जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे बना हुआ होता है और इसकी जो कुल लंबाई होती है वो 300 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो क्रॉस सेक्शन की डायमीटर होती है 30 mm होती है और ये जनरली या तो रेड और वाइट में या फिर ब्लैक और वाइट में कलर में आपको मिलता है और ये जो इसकी लेंथ होती है ना ये 200 mm होती है जो रेड कलर या ब्लैक कलर की। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, जो मेन मेन जो सर्व स्टेशन हम लोग फिक्स करते हैं वहाँ पर हम लोग रेंजिंग रॉड्स का यूज़ करते हैं या फिर ऑफसेट लेने के लिए भी कभी हम लोग रेंजिंग रॉड्स का यूज़ करते हैं और ऑफसेट रॉड्स अगर अवेलेबल नहीं होती है तो। पैक्स, पैक्स जो होता है इसकी कुल लंबाई 40-60 सेंटीमीटर की होती है और इसकी जो ऊपर मैंने ये स्क्वायर होता है तो इसका चारों साइड जो होता है 5 सेंटीमीटर का होता है और इसको ज़मीन के अंदर अगर 40 सेंटीमीटर का तो 20 आधा सेंटीमीटर जो है ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे और 60 सेंटीमीटर का तो 30 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे। ये भी लकड़ी का बना हुआ होता है। एरो, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं जो सब स्टेशन है उसको फिक्स करने के लिए, ऑफसेट पॉइंट करने के लिए। इसकी जो सर्कल की लंबाई होती है मैंने सर्कल का डायमीटर जो होता है वो 50 mm का होता है और इसकी जो क्रॉस सेक्शन होती है रॉड की वो जिस वायर से बनती होती है 4 mm की होती है और इसकी कुल जो लेंथ होती है वो 40 mm की होती है या फिर प्लस ज़्यादा या फिर माइनस 5 हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। ऑफसेट रॉड्स, ऑफसेट रॉड्स यूज़ करते हैं हम लोग जो है ऑफसेट्स मेज़र करने के लिए और इसका जो मेज़रमेंट होता है यह भी रेंजिंग रॉड की जैसे ही होता है। क्लिनोमीटर, क्लिनोमीटर जो होता है यह जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं ये क्लिनोमीटर है और ये जो होता है ना ये प्रोटेक्टर, आपने देखा होगा प्रोटेक्टर की तरह थिन पतले डिस्क में सेमी सर्कल का जो आधा डिज़ाइन है अर्धव्यास जिसको बोलते हैं हिंदी में शुद्ध हिंदी में, उस डिज़ाइन का प्रोटेक्टर फिक्स किया हुआ रहता है एक स्ट्रॉ में और इसके दोनों तरफ होल रहता है। इस होल से आप जो देखते हैं और जो स्लोप का एंगल कितने डिग्री में स्लोप है उसको हम लोग जैसे रोड है, रोड जो अगर स्लोप रोड है तो हम लोग उसका एंगल पता करते हैं कितना डिग्री एंगल में झुका हुआ है, इसे हम लोग इंक्लाइन भी और डिक्लाइन भी मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, प्लम्ब ऑफ इस जो मटेरियल ये ब्रास या ब्रॉन्ज से बना होता है, वेट जो होता है इसका 2 न्यूटन या 5 न्यूटन के बीच में वेरी करता है, जो टेंशन होता है इसका और लेंथ होता है 50 mm का। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग जो हम लोग रेंजिंग रॉड्स जब या कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम लोग सेट करते हैं या फिर थर्ड लाइट हुआ या प्लेन टेबल सर्विंग करते हैं तो जो टेबल होता है ट्राइपॉड होता है उसको उसका सेंटर है कि नहीं चेक करने के लिए, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट जो चैन सर्विंग में यूज़ किया जाता है इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बुरा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा क्या बुरा लगा, उसको ठीक किया जाएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।